माता की, भारत माता की, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। पूज्य बापू ने हमें संदेश दिया था, क्विट इंडिया क्लीन इंडिया। देशवासियों ने आजादी का आंदोलन चला करके देश को पूज्य बापू के नेतृत्व में गुलामी से मुक्त कराया। लेकिन पूज्य बापू का, क्लीन इंडिया का सपना अभी अधूरा है। मैं देख रहा हूं इन चश्मों से महात्मा गांधी देख रहे हैं कि बेटे भारत को स्वच्छ किया कि नहीं किया। ये लोगो सिर्फ लोगो नहीं है, इन चश्मा से गांधी देख रहे हैं क्या किया, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कब तक करोगे। और इसलिए जब ये गांधी के चश्मों का लोगो हम देखते हैं, जो चश्मे खुद हमें कहते हैं, स्वच्छ भारत का संदेश देते हैं, मैं इस कल्पना के लिए, इस कृति की रचना करने वाले अनंत को अभिनंदन देता हूं। पूज्य बापू को सपनों को पूरा करने में हम कोताही नहीं बरतेंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री देश को स्वच्छ बनाने के लिए देश भर में कई तरह के कार्यक्रम शुरू करवाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। सरकारी अदायरे स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आए दिन विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अभी शहरों में गंदगी का आलम देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं विजयपुर कस्बे की। यहाँ पर कस्बे के बीचों बीच से गुजरने वाली सिंचाई नहर में फैली गंदगी क्षेत्र के लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। ये नहर साफ सफाई नहीं होने के कारण कूड़े से पट गई है। वहीं इसके साथ लगते क्षेत्र में कूड़ा यहाँ वहाँ बिखरा रहता है। साथ ही सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में भी नहर के गंदे पानी के कारण फैली बदबू छात्रों के लिए बीमारियों का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई बार इस नहर की सफाई के लिए प्रशासन से गुहार लगाई, पर किसी ने भी इसकी सूद नहीं ली है। वहीं सिंचाई विभाग नहरों की सफाई के लिए लाखों रुपए खर्च करता है। चाहते हैं कि नहर को जो है वो मेंटेन कीजिए, और अगर आप हर साल जो है वो नहर के ऊपर आप करोड़ों रुपया वो ड्रा जो करवाते हैं, लेकिन जब नहर की हालत देखिए वो एक डस्टबिन बनी हुई है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि नहर में पानी जो है वो छोड़ा जा सके, ताकि किसान जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो अपनी फसलों को पानी जो है वो लगा सके। और जब किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। अगर किसान जो है वो उसको आप मारोगे तो जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो नुकसान आम आदमी को होगा। कचरा है कि वो बच्चों के द्वारा साफ नहीं करवाया जा सकता, और हम खुद भी अगर एफर्ट्स करें तो वो हमारे बस की बात नहीं है। हम चाहते हैं कि ये नहर स्वच्छ हो, पानी अच्छे से तरीके से बीच में जाए, लोगों को सहूलत हो, इरिगेशन के लिए ये इस्तेमाल हो, क्योंकि अगर इसमें पानी छोड़ा भी गया तो इसमें जो क्वांटल्स टन्स ऑफ जो प्लास्टिक बैग्स हैं वो लोगों के खेतों में जाएंगे। इसको क्लियर किया जाए ताकि स्कूली बच्चों को कोई फॉल स्मेल ना आए, कोई परेशानी ना आ जाए। और अगर इसको नहीं किया गया तो इसमें कोई भी एपिडेमिक फैल सकती है, कोई भी बीमारी जो है बच्चों को नुकसान कर सकती है। और हम चाहेंगे कि आई रिक्वेस्ट विद फोल्डेड हैंड्स टू द हायर अथॉरिटीज, दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, कि वो इस पे जरा ध्यान देंगे। आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। विजयपुर से अमन कुमार, अलर्ट इंडिया न्यूज, ब्यूरो रिपोर्ट।